अमवी अहद में मुसलमानों को नसीब हुई, न अब्बासी अहद में और न बाद के किसी अहद में। इनके पास दौलत न थी मगर कैरेक्टर की ताकत थी, जिसने दुनिया में अपनी इज्जत और अजमत का सिक्का बिठा दिया। बाद वालों के पास दौलत आई, हुकूमत आई, तमद्दुन की शान और शौकत आई, मगर कोई चीज भी कैरेक्टर की कमजोरी का बदल फराहम न कर सकी। तुमने तारीख इस्लाम का सबक तो फरामोशी कर दिया है, मगर दुनिया की जिस कौम की तारीख चाहो उठाकर देख लो, तुमको एक मिसाल भी ऐसी न मिलेगी कि किसी कौम ने महज सहूलत पसंदी और आराम तलबी और मनफियत परस्ती से इज्जत और ताकत हासिल की हो। शायर ने सही कहा है, होगा किसी दीवार के साये के तले मीर, क्या काम मोहब्बत से इस आराम तलब को। तुम किसी ऐसी कौम को मुअस्सस और सरबुलंद न पाओगे जो किसी उसूल और किसी डिसिप्लिन की पाबंद न हो, किसी बड़े मकसद के लिए तंगी और मशक्कत और सख्ती बर्दाश्त न कर सकती हो और अपने उसूल और मकासिद के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिशात को और खुद अपने नफ्स को भी कुर्बान कर देने का जज्बा न रखती हो। ये डिसिप्लिन और उसूल की पाबंदी और बड़े मकासिद के लिए राहत व आसाइश और मुनाफे की कुर्बानी किसी न किसी रंग में तुमको हर जगह नजर आएगी। इस्लाम में इसका रंग कुछ और है और दूसरी तरक्की याफ्ता कौमों में कुछ और। यहां से निकलकर तुम किसी और निजाम तमद्दुन में जाओगे तो वहां भी तुमको इस रंग में न सही किसी दूसरे रंग में एक न एक जाब्ते का पाबंद होना पड़ेगा, एक न एक डिसिप्लिन की गिरफ्त बर्दाश्त करनी होगी। चंद मखसूस उसूलों के शिकंजे में बहरहाल तुम जकड़े जाओगे और तुमसे किसी मकसद और किसी उसूल की खातिर कुर्बानी का मुतालबा जरूर किया जाएगा। अगर इसका हौसला तुम में नहीं है, अगर तुम सिर्फ नरमी और कुशादगी और मिठासी के मतवाले हो और किसी सख्ती किसी करवाहट को गवारा करने की ताकत तुम में नहीं है, तो इस्लाम की कैदोबंद से निकल कर जहां चाहो जाकर देख लो, कहीं तुमको इज्जत का मकाम न मिलेगा और किसी जगह ताकत का खजाना तुम न पा सकोगे। कुरान ने इस कायदे कुलिया को सिर्फ चार लफ्जों में बयान किया है और वो चार लफ्ज ऐसे हैं जिनकी सदाकत पर पूरी दुनिया की तारीख आलम गवाह है। इन्नमा अल उस्री युस्रा, इन्नमा अल उस्री युस्रा। युस्र का दामन हर हाल में उस्र के साथ वाबस्ता है, जिसमें उस्र को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं वो कभी युस्र से हम कनार नहीं हो सकता। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कल इंशाल्लाह हमारी इस सीरीज का आखिरी दिन होगा, दसवां दिन भी इस्निल्लाहि ताला किया जाएगा और ये है मुसलमानों के लिए जदीद तालीमी पॉलिसी और लाहे अमल 19वां मज़मून। तो कल तक के लिए इजाज़त है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।